दोस्तों आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं पोको M6 प्लस 5G वर्सेस मोटो G45 5G। तो गाइस यार ये रहे हमारे पास दोनों स्मार्टफोन, काफ़ी अच्छी लुक्स हैं दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन की। तो चलिए गाइस करते हैं कंपैरिजन इनका, हम डिटेलिंग में यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इसमें आपको फीचर्स मिल जाएंगे। सो गाइस सबसे पहले प्राइस की बात यहाँ पे करूँ मैं, तो पोको M6 प्लस गाइस आपको 13,000 रुपये से इसकी स्टार्टिंग दोस्तों 6 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज में आपको दोस्तों मिल जाएगा। एंड जो गाइस इसका दूसरा वेरिएंट है 8 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज, वो गाइस आपको 13,500 का मिलने वाला है। वहीं पे गाइस बात करें मोटो G45 की, दोस्तों यहाँ पे आपको 11,000 रुपये में 4 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज गाइस की स्टार्टिंग है। एंड जो इसका दोस्तों मैक्स वेरियंट है 8 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज वाला, वो गाइस आपको 13,000 का पड़ जाएगा। तो गाइस ये फ़ोन मतलब ये वाला वेरियंट जो इसका होने वाला है 8 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज वाला, ये दोस्तों आपके पोको के फ़ोन से 500 रुपये सस्ता आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो आपको 13,500 का मिल रहा है, बट गाइस ये आपको मिल रहा है 13,000 रुपये का। नेक्स्ट केस बात करें डिस्प्ले की यहाँ पे दोस्तों, तो दोस्तों पोको में आपको मिलेगी 6.79 इंचज़ की फुल HD+ डिस्प्ले, LCD टाइप दोस्तों इसका होने वाला है। एंड जो गाइस आपका रिफ्रेश रेट वो दोस्तों आपको 120 Hz इसमें देखने को मिलेगा। एंड जो गाइस आपकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस, वो आपको 550 nits की पीक ब्राइटनेस मिलेगी दोस्तों। इस प्रकार के डिस्प्ले आपको मिलने वाली है पोको M6 प्लस 5G में। वहीं पे गाइस बात करें मोटो के स्मार्टफोन, गाइस मोटो G40 में आपको 6.5 इंचज़ की HD+ LCD डिस्प्ले उसमें आप दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। एंड जो दोस्तों डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट वो 120 Hz रहने वाला है। एंड गाइस आपके डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 500 nits तक जाने वाली है दोस्तों। इस प्रकार के डिस्प्ले दोनों स्मार्टफोन में हैं। थोड़ा गाइस साइज़ का ही फर्क है, यहाँ पे 6.5 इंच का फोन है एंड गाइस एक अप्रोक्सीमेटली 6.8 इंच का फोन है। बाकी दोस्तों रिफ्रेश रेट सेम है एंड गाइस ब्राइटनेस भी लगभग सेम सेम ही दोनों स्मार्टफोन में यहाँ पे होने वाली है। नेक्स्ट गाइस कैमरा की बात यहाँ पे करूँ दोस्तों, पोको के फोन में दोस्तों आपको 108 MP का आपका मेन कैमरा मिल जाएगा आपको बैक में, प्लस 2 MP का दोस्तों आपको मैक्रो कैमरा मिलेगा। एंड गाइस जो फ्रंट कैमरा है वो आपका 13 MP का रहने वाला है इन पोको M6 प्लस। वहीं पे गाइस बात करें मोटो के फोन में, गाइस आपको 50 MP का मेन कैमरा मिलता है फोन के बैक में एंड 8 MP का दोस्तों आपको मिलता है एक्स्ट्रा कैमरा मैक्रो कैमरा, प्लस गाइस आपको सेल्फी के लिए 16 MP का कैमरा यहाँ पे दे रहे हैं। दोस्तों सेल्फी में बैट कैमरा मोटो में बेटर है, बट गाइस बैक में आपको पता है 108 MP का कैमरा ज़्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू 50 MP कैमरा। तो गाइस ओवरऑल अब आप लोग देखो यार कि आपको सेल्फी में 16 MP चाहिए या फिर आपको 108 MP चाहिए बैक में, बट गाइस आई प्रेफर कि पोको के फोन में ज़्यादा अच्छा कैमरा होगा एज कम्पेयर टू मोटो G45। नेक्स्ट केस बैटरी की बात यहाँ पे कर रहे हो दोस्तों, आपको दोनों फोन में 5,000 mAh की बैटरी मिलेगी, मतलब इस पोको में 5,030 mAh की मिल रही है, बट वो 5,000 के बराबर ही अप्रोक्सीमेटली। इन्होंने पता नहीं क्यों 5,030 बड़ा ऐसे मेंशन कर रखा है, इसको चाहे तुम लोग भाई 5,000 लिख दो, यहाँ पे क्या दिक्कत है। एंड गाइस चार्जर की बात यहाँ पे करूँ, आपको भी 33 वोल्ट का चार्जर मिलता है पोको के फोन के साथ एंड गाइज आपको, जबकि यहाँ पे 20 वोल्ट का चार्जर मिलता है मोटो के फोन के साथ। तो यार गाइस 500 रुपये फोन महंगा है, बट यार हो जा रहे पैसे कवर यार, ठीक है। आपको चार्जर भी फास्ट मिल जा रहा है साथ में, प्लस कहीं आपको कैमरा भी 108 MP का मिल रहा है बैक पे, तो उतना दोस्तों कोई मेजर इशू है नहीं प्राइस डिफरेंस का। प्राइस आप लोग एक सेम लेके चल सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट के प्रोसेसर यहाँ पे देख लें दोस्तों, तो यार आपको यहाँ पे मिलेगा Snapdragon 4 Gen 2 इन पोको M6 प्लस 5G। तो गाइस जिसका कि एंटू स्कोर लगभग 4,25,000 के आसपास रहता है, वहीं पे गाइस आपको मोटो में मिलता है Snapdragon 6S Gen 3 गाइस, जो इससे थोड़ा ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, क्योंकि दोस्तों उसका एंटू स्कोर लगभग 4,90,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो गाइस आई प्रेफर कि मोटो में आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी एज कम्पेयर टू पोको M6 प्लस। एंड गाइस अदर फीचर्स में आपको दोनों फोन में आपको एंड्रॉयड 14 मिल जाएगा, दोनों फोन गाइस 5G होने वाले हैं, IP52 बैटरी ब्रांड गाइस आपका रहने वाला है मोटो का फोन, ये गाइस आपका IP53 होने वाला है। एंड गाइस दोनों में आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, IR ब्लास्टर गाइस आपको पोको के फोन में मिलेगा, आपको पता है मोटो में ऐसा नहीं होता जो रिमोट होता है फोन का, ठीक है। तो गाइस इस प्रकार की फीचर्स आपको दोनों फोन में यहाँ पे रहने वाले हैं। सो गाइस यार अभी बताइए आप लोग कि आपको दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा पसंद आ रहा है। अगर आप लोग सोच रहे हो दोनों में से बाई करना, तो आप गाइस किस फोन को बाई करोगे। यार गाइस देखो मैं तो ऐसे टोटली एक साइड पे नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब दोनों फोन गाइस बैलेंस ही हो यार लगभग, है ना। जैसे देखो यार गाइस प्रोसेसर यहाँ पे इसका ज्यादा बेटर है मोटो का, है ना। इस बैटरी में यहाँ पे हमको चार्जर ज्यादा अच्छा मिल रहा है पोको के फोन के साथ, कैमरा में गाइस मैं फिर पोको को बोलूंगा, है ना। डिस्प्ले में गाइज कोई इतना मेजर फर्क है नहीं, है ना। तो गाइज प्राइस का भी कोई बड़ा फर्क नहीं है यहाँ पे। तो गाइज यार थोड़ा आप लोग देखो कि आपको कौन सा फोन बाई करना है अभी। सो गाइज यार यही था आज के, आई होप कि आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें यार, नए हो तो सब्सक्राइब करो। एंड कोई डाउट है गाइज आपका तो जरूर कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट में ही कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।